Hi everyone, this is me Supriya Gautam and welcome back to Cosplay Genie powered by Nodwin Gaming. So this time we have retro theme and for that I decided to cosplay as Hilde from the game Soul Calibur. So without further ado, let's get started. So first of all, we're going to create the pattern of the sword on the white sheet of paper and then I'm going to cut it with the help of scissors very carefully. So my pattern is all ready और अब मैं इसको trace कर लूँगी अपने EVA foam sheet के ऊपर. तो मैं उसके लिए use कर रही हूँ यहाँ पर green marker और tape का भी use किया so that मेरा pattern इधर उधर ना हिले. तो मैं इसको कट कर लूंगी केयरफुली विद द हेल्प ऑफ अ कटर और मैं इसके दो पीसेस कट करूंगी सो दैट मैं इसकी एक मोटी लेयर को क्रिएट कर सकूं. तो अब मैं यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ सो दैट मैं यहाँ पर स्टील रॉड फिट कर सकूँ जिसकी वजह से मुझे मिलेगा काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ. और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कटर का, पर लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप फोम ज़्यादा ना काटते. एंड हियर आई एम एडिंग कॉन्टैक्ट सीमेंट ऑन द EVA फोम शीट एंड ऑन द रॉड एज वेल सो दैट इन दोनों के बीच का बॉन्ड काफ़ी अच्छा रहे और ये अपनी जगह से हिले नहीं. सो अब मैं इस रॉड को दोनों फोम शीट के अंदर फिट कर दूंगी और अच्छे से इसको प्रेस करूंगी सो दैट अच्छे से बॉन्ड क्रिएट हो जाए इन तीनों के बीच. तो जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से आपस में फिट हो चुके हैं. काफ़ी अच्छे से मैंने इन सबको प्रेस किया है और एकदम से अच्छी स्ट्रेंथ मुझे मिल चुकी है. तो जो मेरे साइड पार्ट्स थे स्पॉट के अब मैं उसको रिमूव कर दूंगी सो दैट मैं इसको अच्छे से सैंड कर पाऊँ और फिर उसके बाद मैं इसको प्रॉपर शेप करके आपस में इसको पेस्ट कर पाऊँ. सो जब मैंने रिमूव किया ये साइड पार्ट्स को मुझे उसकी थिकनेस कम लग रही थी तो इसके लिए मैंने और भी ज़्यादा थिकनेस ऐड करने के लिए मैंने दोनों साइड पर एक्स्ट्रा फोम भी ऐड कर दिया है. तो अब मुझे प्रॉपर थिकनेस मिल चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फोम ऐड किया था और इसके बाद मैं करने वाली हूँ सैंडिंग. सैंडिंग से क्या होगा, मुझे प्रॉपर फिनिश मिलेगी, बेटर शेप मिलेगी और मैं इसके बाद ऐड करूँगी थोड़ी और बहुत डिटेल्स. यू नो डिटेल्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप डिटेल्स पर ध्यान नहीं देंगे आपका स्वॉर्ड इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना डिटेल्स के बाद लगेगा. तो जो मेरे साइड पीसेस थे उनको भी मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर और जो मैंने और डिटेल बनाया था उसको भी मैं ऐड कर दूंगी ग्लू से. वन बाय वन मैं सारे डिटेल्स पेस्ट करते जाऊंगी. एंड हियर आई एम कवरिंग द हैंडल विद द हेल्प ऑफ 3mm EVA फोम शीट, लेकिन उसको करने से पहले मैं उसको हीट गन से हीट कर लूंगी सो दैट ही ईजिली बेंड हो जाए एंड प्रॉपर शेप मिल जाए इसको. कॉन्टैक्ट सीमेंट को जल्दी ड्राई करने के लिए मैं यहाँ पर भी उसके ऊपर हीट गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. प्रॉपर शेप देने के लिए थोड़ी बहुत सैंडिंग भी कर रही हूँ मैं इसके ऊपर और यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कटर का सो दैट मैं इसके ऊपर एक फाइन लाइन्स क्रिएट कर सकूँ और उसके बाद मैं हीट गन का यूज़ कर रही हूँ सो दैट वो इनहेंस हो जाए. सो मेरी लाइन पर इनहेंस हो चुकी है और अब मैं इसको पूरी तरह हीट सील कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एन हीट गन और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी सिंथेटिक ग्लू से. मैं यहाँ पर दो कोट करूँगी सिंथेटिक ग्लू का सो दैट इसके ऊपर एक प्रॉपर फिनिश और स्मूथ टेक्सचर क्रिएट हो जाए.
सो अब मैंने अपने स्पेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और स्पेयर के थे मेरे काफ़ी सारे पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं अपने फ्लैग के टॉप मोस्ट पार्ट को क्रिएट कर रही हूँ। तो डायरेक्टली मैं उसका पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ अपने 4mm EVA फोम शीट के ऊपर और उसके बाद मैं उसको कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं दो पीसेस कट कर रही हूँ सो दैट मुझे प्रॉपर थिकनेस मिल जाए। तो दोनों पीसेस को अब मैं एक साथ पेस्ट कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट सीमेंट। और डिज़ाइन में अगर देखेंगे आप तो एक टाइनी सर्कल भी था इसके ऊपर, सो वो मैंने कट कर लिया है और उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट सीमेंट की मदद से इसको पेस्ट कर दूँगी उसके ऊपर। थोड़ी बहुत सैंडिंग भी कर दूंगी उसकी सो दैट उसको एक बेटर फिनिश मिल जाए। उसके बाद पेस्ट कर दूंगी मैं कॉन्टैक्ट सीमेंट की हेल्प से। सो दिस पार्ट इज ऑल डन एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ माय स्पीयर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ अपने टॉप मोस्ट पार्ट को विद द हेल्प ऑफ 4mm EVA फोम शीट, एडिंग सम कॉन्टैक्ट सीमेंट सो दैट ये आपस में पेस्ट हो जाए और अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सके। और साथ ही साथ मैं हीट गन का भी यूज़ कर रही हूँ सो दैट एक प्रॉपर शेप इसको मिल जाए। सो मेरा टॉप मोस्ट पार्ट अब रेडी हो चुका है और अब मैं काम करने वाली हूँ अपने ब्लेड्स के ऊपर। तो वन बाय वन मैं वो ब्लेड्स क्रिएट कर लूँगी। डायरेक्टली ही मैं अपने फोम शीट के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। और वन बाय वन मैं एक ही पैटर्न को 3 पैटर्न में और क्रिएट कर लूँगी सो दैट मैं उसको ईजिली कट कर पाऊँ। सो मेरे 2 ब्लेड्स तो अभी रेडी हो चुके हैं और वन बाय वन मैं अपने बाकी सारे ब्लेड्स को भी रेडी कर लूँगी और अब मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्टैक्ट सीमेंट। आपस में सबको पेस्ट कर दूँगी वन बाय वन। सो मेरे ब्लेड्स का स्ट्रक्चर तो सब रेडी हो चुका है, अब मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगी अपने टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ स्पीयर के ऊपर। सो हेयर आई एम वर्किंग ऑन द फ्लैग और फ्लैग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1mm EVA फोम शीट का और डायरेक्टली मैं डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ जैसा कि मुझे फोटो में दिखता गया। बहुत मुश्किल नहीं था ये डिज़ाइन बनाना क्योंकि पहले मैं रफ बना रही हूँ उसके बाद मैं पेंट करूँगी। तो वन बाय वन जस्ट मैंने फॉलो करते गई हूँ जो भी डिज़ाइन मुझे दिख रहा था। सो ये काफ़ी ईजी था, आप भी इसलिए ईजिली कर सकते हो। मेरा डिज़ाइन अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, वन बाय वन मैंने सब कुछ क्रिएट कर लिया है सारे डिज़ाइन। तो स्वॉर्ड को सिंथेटिक ग्लू से कवर करने के बाद वो ड्राई अप हो चुके हैं तो अब मैं उसको ब्लैक एक्रेलिक पेंट से कवर कर दूंगी, सिंगल कोट ही लगाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं अपना फाइनल कलर इसके ऊपर ऐड करूँगी। ब्लैक पेंट हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर सिल्वर पेंट का यूज़ कर रही हूँ, उसको पूरी तरीके से कोट कर दूंगी सिल्वर पेंट से। मेरा स्पेयर भी पूरी तरीके से रेडी था इसको पेंट से कवर करने के लिए तो मैं उसके वन बाय वन सारे पार्ट सिल्वर पेंट से कवर कर दूंगी। तो आफ्टर डिज़ाइनिंग अब मेरा काम है इसको भी पेंट करने का। तो वन बाय वन जैसे भी कलर्स मुझे दिख रहे थे रेफरेंस फोटो में उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको पेंट करते जा रही हूँ। तो हेयर आई एम वर्किंग ऑन माई लेग आर्मर, तो सारे पार्ट्स को मैं वन बाय वन क्रिएट करते जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने पैटर्न क्रिएट करा डायरेक्टली फोम शीट के ऊपर और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 3mm EVA फोम शीट का। मुझे 3mm EVA फोम शीट आर्मर के लिए बेस्ट लगती है। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई नी पैड्स, तो उसके लिए मैं भी सेम
3mm फोम शीट का ही यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज को मैं कवर कर दूंगी थिन ईवीए फोम स्ट्रिप से, सो दैट इसको एक अच्छी डिटेलिंग मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने और भी डिटेल्स ऐड कर दी हैं और डिटेल्स के बाद लग रहा है ना कितना सारा काम किया हुआ है। तो यस, डिटेल्स आपके कॉस्ट्यूम को और बेटर लुकिंग बनाती है। एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ अपना थाई पैड, सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा इसको भी क्रिएट करने के लिए। थिन फोम स्ट्रिप्स ही ऐड हो रही हैं डिटेल्स के लिए। डिटेल्स ऐड करना मुश्किल नहीं है बट लेकिन ये टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसके लिए पूरी तरीके से आपको पेशेंस होकर काम करना होगा। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर अपना हैंड आर्मर भी क्रिएट करते जा रही हूँ। हैंड आर्मर के मेरे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, सो वन बाय वन सेम प्रोसेस फॉलो करके वो सब क्रिएट करते जाऊँगी मैं। सो ब्रेसलेट को अच्छे से शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था हीट गन का और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 coats ऑफ सिंथेटिक ग्लू सो दैट प्रॉपर फिनिश उसे मिल पाए। और अब मेरे बाकी सारे आर्मर्स अब रेडी हो चुके हैं तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर पेंट कर रही हूँ उनको ब्लैक एक्रेलिक पेंट से, सो दैट अगर मैं गोल्डन पेंट इनके ऊपर क्रिएट करती हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक इसके ऊपर आए। सो वन बाय वन मैंने अपने सारे आर्मर्स को ब्लैक पेंट से कवर कर दिया है। सारे आर्मर्स को कवर करने वाली हूँ मैं गोल्डन पेंट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश आ रहा है गोल्डन पेंट का ब्लैक एक्रेलिक पेंट के ऊपर। सो आई सजेस्ट आप भी सेम तरीके से गोल्डन पेंट करें, पहले ब्लैक पेंट और उसके बाद गोल्डन पेंट। और अब मैं यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ अपने ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर। मेरे कप्स अच्छे से रेडी है और मैं उसके बाद वन बाय वन डिज़ाइन फॉलो करते हुए उसका ब्रेस्ट प्लेट क्रिएट कर लूँगी। काफ़ी सारे पार्ट्स से वन बाय वन मैं फॉलो करते गई तो वो चीज़ बनते गई थी। ब्रेस्ट प्लेट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था बट लेकिन पेशेंस के साथ ये भी हो गया था। कप्स क्रिएट करने में मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक एग्जैक्ट शेप मुझे नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ये ब्रेस्ट प्लेट क्रिएट करना। सो इसको करने के लिए मैंने क्या किया था, जो मेरा ब्रा था मैंने ब्रा के ऊपर डायरेक्टली ही कवर कर दिया था उसको टेप से और फिर मैंने उसको रिमूव किया तो मेरे पास प्रॉपर शेप मिल गई थी उसकी। सो शेप मिलने के बाद मैंने उसको जहाँ जहाँ पर मेरे को फ्लैट सर्फेस मिल रहा था मैंने उसको कट कर लिया और उसके बाद मैंने सारे पीसेस को ऐड अप किए तो सेम शेप मुझे मिल रहा था तो उसको मैंने डायरेक्टली फोम शीट के ऊपर ट्रेस कर लिया और फिर उसके बाद अच्छे से सैंड करके सारे पीसेस को मैंने एक साथ पेस्ट कर लिया तो मुझे प्रॉपर शेप मिल गया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने बाकी सब आर्मर के लिए किया था, पहले ब्लैक एक्रेलिक पेंट और उसके ऊपर गोल्डन पेंट, तो सेम एज इट इज़ मैंने अपने स्कर्ट आर्मर के लिए भी किया है और ब्रेस्ट प्लेट के लिए भी। प्रॉपर अटैचमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी थिन वाला इलास्टिक का यूज़ किया है सो दैट मुझे अच्छे से प्रॉपर शेप में मुझे फिट हो जाए। सो अब मेरे सारे पीसेज अब रेडी हैं, सारे आर्मर पीसेज अब रेडी है। सो वन बाय वन मैं आपको शो कर रही हूँ और इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक का ही यूज़ किया है प्रॉपर अटैचमेंट्स के लिए।
तो ये है मेरे ब्रेसर्स, ये एल्बो पैड्स, ये नी पैड्स विद एन इलास्टिक अटैचमेंट, दीज आर माई ग्लव्स, my crown, and my skirt. So that's all for today's video, and I hope you guys like this tutorial, and do not forget to like, share and subscribe Cosplay Genie. Bye bye.